16 साल की नाबालिग लड़की के खुदकुशी ने देहरादून में मचा दी है सनसनी। मृतक किशोरी पिछले 3 मई से नारी निकेतन से बालिका निकेतन केंद्र देहरादून में रह रही थी। नाबालिग को कोर्ट से आदेश के बाद यहां रखा गया था। सूत्रों की माने तो मृतका पर हत्या जैसे संगीन आरोप लगे थे, जो हरिद्वार के कनकल थाने में दर्ज हत्या का मामला था। वहीं ये मामला अदालत में विचाराधीन है। मृतका मूल रूप से पंजाब की रहने वाली थी और हरिद्वार में परिजनों के साथ रहती थी, लेकिन बुधवार शाम को इस नाबालिग की खुदकुशी करने का मामला सामने आया। फिर क्या था, इस संवेदनशील घटना से राजधानी दून में मच गई सनसनी। इस घटना के बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने देर रात बालिका निकेतन का निरीक्षण किया, तो बालिका निकेतन की DPO मीना बिष्ट ने बताया कि एक लड़की बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिली, जिसे दून अस्पताल ले जाया गया, तो जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये सूचना मिलते ही पुलिस दून अस्पताल पहुंच गई और दूसरी टीम को बालिका निकेतन भेजा गया। अब देहरादून की मित्र पुलिस और हरिद्वार पुलिस नाबालिग के खुदकुशी करने की जांच में जुट गई है। वहीं बाल निकेतन के कुछ लोगों का कहना है कि यदि किशोरी को समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया होता तो नाबालिग को बचाया जा सकता था। सूत्रों की माने तो मौके पर प्रदेश की जीवनदायिनी 108 सेवा भी आधे घंटे बाद पहुंची। समय पर 108 सेवा नहीं पहुंचने के सवाल पर 108 के संचालक कैंप के प्रोजेक्ट मैनेजर अनिल शर्मा ने इसे बेबुनियाद बताया और कहा कि सूचना मिलते ही ठीक 15 से 18 मिनट में 108 सेवा मौके पर पहुंच चुकी थी। शाम का वक्त था, ट्रैफिक अधिक होता है, बावजूद भी 108 सेवा ने वहां ठीक समय पर पहुंचकर अपनी ड्यूटी बखूबी निभाने का काम किया है। नॉक किया और देखा कि अंदर से बंद पड़ा है, तो उस दरवाजे के ऊपर काफ़ी स्पेस है, जिससे एक बच्ची नीचे गई और उस बच्ची ने दरवाज़ा खोला और उसके बाद उस बच्ची की गांठ खोलने की कोशिश की और किसी तरह से उस बच्ची को बाहर लाए। प्रथम दृष्टया कुछ पता लग पाया मैम, क्या वजह हो सकती है मूल? प्रथम दृष्टया में यही चीज़ आई है कि वो डिप्रेशन में थी। जो सारी बच्चियों से मेरी अलग अलग बात हुई है, मैंने हर बच्ची से पूछा क्या किसी ने उसे डांट फटकारा तो नहीं, क्या उस बच्ची के साथ कोई इस तरह की बात तो नहीं हुई, तो सभी ने ये कहा कि नहीं मैम, एक दिन पहले उसने एक होम संस्था यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही थी, उनके साथ में काफ़ी अच्छे से अपना डांस प्रोग्राम भी किया, उसने सिंगिंग भी किया, सब कुछ किया, और दूसरे आज भी वो सिंगिंग करने के बाद में ही वहाँ पर गई। बाकी बच्चे अपना और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और वो बच्ची गई, तो उनमें से एक बच्ची को लगा कि वो कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही, तो वही बच्ची गई थी, उसी बच्ची ने सारी चीज़ें बताई। बताया गया था घटना 7:30 बजे लगभग तकरीबन यह है की बाल निकेतन महिला बाल निकेतन के अंदर जो एक सुसाइड का मामला आया, तो उसमें आपकी गाड़ी गई थी, जो उसमें ये बताया गया है कुछ पत्रकार उसमें पत्रकार द्वारा भी और सुर्खियों मीडिया में छा रखा है कि गाड़ी आपकी लेट गई, यदि टाइम से पहुंच जाते शायद उसे बचाया जा सकता, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने भी समाचार पत्र में पढ़ा, वो तथ्यपरक बात नहीं है। जैसे ही हमें कॉल आया तो अनकॉशियस था वो केस, और कॉल आने के 18 मिनट में हमारी एम्बुलेंस वहाँ पर पहुंच गई थी। क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किस कंडीशन में पेशेंट है, तो उसको फौरन उठा के वहाँ से दून अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। 18 मिनट में हमारी एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच चुकी। तो सवाल उठा आपके ऊपर कि आपके खार कंपनी के ऊपर कि सर्विस आपके लेट पहुंची, तो आप अपने सर्विस को लेकर क्या असुस्त हैं कि बिल्कुल टाइम से पहुंचे आप? जी बिल्कुल, जो एम्बुलेंस हमारी उस टाइम वैकेंट थी सिटी 2 की, और जो डिस्टेंस है नारी निकेतन नहीं, हमें बाल निकेतन लोकेशन बताई गई थी, तो वहाँ पर पहुँचने में हमने देख लिया कि इतना समय लगना था। हमारी कोशिश रहती है हमेशा कि जो हमें कॉल कर रहे हैं वो इमरजेंसी केस है, कोई रीजन नहीं बनता कि हम उसमें डिले करें। हमने इसके लिए पहले भी बताया कि SMS के थ्रू भी कि स्टाफ और जो सर्विस चाहते हैं वो आपस में बात कर सकें और जल्दी से जल्दी हम इमरजेंसी साइट पर पहुँचे, कि हमारी हमेशा कोशिश है और आगे भी रहेगी। देहरादून से श्रमिक मंच के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।